यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड दैट लोमाओ ने से बताया चुबको को कि वो वहां क्यों आया है. वो नटालिया के मैरिज प्रपोजल के लिए आया है कि नटालिया से वो शादी करना चाहता है, उसका प्रपोजल लेकर आया है. देन वी आर गोइंग ऑन चुबको जॉयफुली बाय जाओ इवान वेसलविच सेज अगेन डिडंट हियर इट एट ऑल. अब जब उसे ये पता चलता है चुबको को कि लोमो नटालिया से शादी का प्रपोजल लेकर आया है नटालिया से शादी करने के लिए, तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड होकर बहुत खुश होकर वो कहता है माय जॉब माय जॉब, जैसे हम लोग बोलते हैं ओ माय गॉड. तो उसने ऐसे वो लोग क्या बोलते हैं माय जॉब इवान वेसलविच से इट अगेन, दोबारा कहो डिडंट हियर इट ऑल, मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं सुना, दोबारा बोलो. खुशी में दोबारा से कहते हैं ना कि दोबारा बोलो ना, क्या बोला तुमने. लोमो आई हैव द ऑनर टू आस्क, मुझे आपसे ये बात कहने में बहुत सम्मान महसूस हो रहा है. और इसी के बीच में बात को चुबको काट देता है, इंटरप्टिंग. इंटरप्टिंग का मतलब है दखल दे देना, बात को बीच में रोक देना. माई डियर फेलो आई एम सो ग्लेड एंड सो ऑन, मैं बहुत खुश हूँ और ऐसे ही और ज्यादा. यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. एम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमो. अब वो लोमो को एम्ब्रेस करके किस करते हुए कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ आपका, मैं ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है. आई हैव बीन हॉपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं तो ये बहुत लंबे समय से चाह रहा था, मेरी इच्छा थी ऐसी. इट हैज बीन माय कंटिन्यूअल डिजायर, ये तो मेरी लगातार इच्छा थी, यानी बहुत लंबे टाइम से मेरे मन में चल रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए. शेष अ टियर, एक आंसू बहाते हुए. एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मैं हमेशा ही तुम्हें प्यार करता था. माई एंजल किसको कहा, लोमो को. जैसे वो बार बार कुछ ना कुछ बोल ही रहा है, माई ट्रेजर माई प्रीशियस माई एंजल, इस तरह के वर्ड यूज कर रहा है उसको डियरेस्ट दिखाने के लिए. एज इफ यू आर माई ऑन सन, मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प हिज लव एंड सो ऑन. वो उसे बहुत एक्साइटेड होकर कह रहा है कि तुम तो मेरे बिल्कुल बेटे जैसे हो, अपने बेटे जैसे हो, और तुम्हें भगवान अपनी हेल्प अपना लव सब कुछ तुम्हें दे दे. मैं चाहता हूँ कि भगवान तुम्हारी खूब मदद करे. एंड सो मच होप, वॉट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर. ओ मैं क्यों इतना इडियोटिक वे में बिहेवियर कर रहा हूँ, एक्साइटमेंट हो रहा है तो एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा वो बोल रहा है, तो अपने आप को कह रहा है ओ मैं कितना बेवकूफी वाला काम करने जा रहा हूँ. आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने अपना बैलेंस भी खो दिया, कंट्रोल में नहीं हूँ, वास्तव में कंट्रोल में नहीं हूँ. ओ विद ऑल माई कॉल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट. अभी मैं जाता हूँ, मैं बहुत खुश होकर जा रहा हूँ और नताशा को ये सारी बातें बताता हूँ. लोमो ग्रेटली मूव, बहुत जल्दी से वो मूव करता है. ऑनर डिस्टर्बेंस स्टॉपनोविच डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट. अब लोमो को अपने ऊपर अभी क्या नहीं हो पा रहा है, अपने कॉन्फिडेंस में नहीं है पूरा. तो वो कह रहा है रुको स्टेफनोविच, क्या आपको लगता है कि नतालिया मेरी इस बात प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी. कंसेंट मीन्स एक्सेप्टेंस, कंसेंट कर लेगी, एक्सेप्टेंस दे देगी, स्वीकृति देगी क्या. तो चुबको कह रहा है व्हाई ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, एंड इफ शी वुडंट कंसेंट शी इज इन लव एज शी इज लाइक अ लव सिक कैट एंड सोंस शैल नॉट बिलोंग. हाँ क्यों नहीं करेगी एक्सेप्ट माय डार्लिंग, वो जब उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगी, वो तो तुम्हारे प्यार में है, तुम्हारे लिए लव सिक कैट बनी हुई है और ऐसे बहुत कुछ बहुत लंबे समय से है. तो ऐसा कहते हुए चुबको वहां से एग्जिट कर जाता है. इट मीन्स चुबको बता रहा है कि नटालिया भी तुमसे प्यार करती है, वो भी तुमसे शादी करना चाहती है, तो वो तुम्हारे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी ही. अब लोमो रूम में अकेला है, ड्राइंग रूम में. अब जब ड्राइंग रूम में वो अकेला है तो उसके अंदर क्या क्या फीलिंग्स आ रही है, दैट आर डिस्क्राइब्ड हियर. इट इज कोल्ड आई एम ट्रेवलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी. अरे मैं तो ठंडा हो गया हूँ, ठंड लग रही है मुझे, मैं ठंड से कांप रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे सामने मेरा एग्जामिनेशन हो रहा है, यानी कि मेरा एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम में मैं नर्वस हो गया हूँ. द ग्रेट थिंग इज, ये बहुत बड़ी बात है, आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, मुझे अपने माइंड में डिटरमाइन करना होगा. इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक टू हेजिटेट टू टॉक अलॉट टू लुक फॉर एन आइडियल एंड फॉर हर रियल लव then I will never get married. Brr, it's cold.
तो वो अपने आप में सोच रहा है कि अगर मैं ऐसे ही सोचता रहा, ऐसे ही हेजिटेट होता रहा, हेजिटेट से आप सिनोनिम आप यूज कर सकते हैं रेलिस्टेंट, क्या सिनोनिम आप यूज कर सकते हैं रेलिस्टेंट, तीन पैसेज में आपको मिल सकता है. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड रेलिस्टेंट. टू टॉक अलोट, अगर मैं ऐसे ही बातें करता रहा, ऐसे ही अपने आप को आइडियल मानता रहा और रियल लव के लिए सोचता रहा तो मेरी शादी कभी भी नहीं होगी. यानी कि अगर मैं ऐसे ही सोचता रहा, ऐसे ही फीलिंग्स में खोता रहा, इमोशंस में थिंग्स में लगा रहा, तो फिर शादी करने का नंबर कब आएगा? ओ मुझे तो फिर से ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट शो कर रहा है. स्टैक नॉर्ना इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड. वॉट मोर डू आई वॉन्ट? But I am getting a noise in my ears from excitement. अब क्या सोच रहा है कि जो स्टेपनोवा है, जिस नटालिया है, वो एक अच्छी हाउसकीपर है, एक्सीलेंट हाउसकीपर. नो बैड लुकिंग, देखने में भी खराब नहीं लगती है, बहुत अच्छी लगती है. वेल एजुकेटेड है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? एक लड़की कैसी होनी चाहिए? हाउसकीपर, अच्छी हाउसकीपर होनी चाहिए, देखने में अच्छी लगनी चाहिए, थोड़ी पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए. बट I am getting a noise in my ears from excitement. लेकिन मेरे अंदर excitement के कारण noise आ रहा है. यानी उसे ऐसा लग रहा है अपने आप में ही कि जैसे किसी की आवाजें सुनाई दे रही हैं उसे. तो वो क्या करता है? Drink, पानी पीता है. And it is impossible for me not to marry. और मेरे लिए impossible हो जाएगा शादी करना. In the first place, I am already 35 of critical age. पहली बात तो ये है कि मैं पहले से ही 35 का हो चुका हूँ, critical age है ये. So to speak, इसलिए मुझे ऐसा नहीं बोलना है. In the second place, I ought to lead a quiet and regular life. और इसके अलावा शादी मुझे क्यों करनी है? एक तो 35 का हो गया, इसलिए मुझे जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए. और दूसरा ये भी है कि एक रेगुलर और एक क्वाइट लाइफ जीने के लिए शादी करना जरूरी है. I suffer from palpitations. Palpitations means heart beat तेज हो जाना, rapid heart beat. जब हम नर्वस हो जाते हैं तो क्या होगा? हार्ट बीट रैपिड हो जाती है, तेज हो जाती है. हार्ट बीट उसकी क्या हो गई है? तेज हो गई है. आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट. हाँ, कभी कभी क्या हो रहा है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ और कभी मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ, अपसेट हो जा रहा हूँ. At this very moment, my lips are trembling. और अब मेरे होंठ भी कांपने लगे, डर से, घबराहट से, नर्वस होकर. And there are twitch in my right eyebrow. और मेरी जो right eyebrow है वो twitch फड़फड़ा रही है. कहते ना कि आंख फड़क रही है, अब मेरी eyebrow फड़क रही है, इस तरह से. But the very worst of all is the way I sleep. लेकिन सबसे बुरा तो तब होता है जब मैं सोता हूँ. I no sooner get into bed and begin to go off when suddenly something in my lap. लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल. जब मैं सोने के लिए बिस्तर में जाता हूँ, जैसे ही मैं जब सोने वाला होता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे कोई पीछे की तरफ खींच रहा हो लेफ्ट साइड से. एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड. और कभी कभी ये मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा शोल्डर कोई खींच रहा है, फिर सिर तक पहुंच जाता है कि सिर को मेरे कोई खींच रहा है. आई जंप अप लाइक अ लुनेटिक. और फिर मैं उछल कर एकदम बैठ जाता हूँ जैसे कि मैं पागल हो गया हूँ. तो ये क्या बता रहा है? वो उसके अंदर निगेटिव थिंकिंग चल रही है कि अगर मेरे साथ ऐसा चलता रहेगा तो मेरी शादी नहीं होगी. इसीलिए शादी रेगुलर और क्वाइट लाइफ के लिए जरूरी है. आगे क्या कह रहा है? वॉक अबाउट अ बिट. और जब मैं उछल कर बैठ जाता हूँ तो फिर मैं थोड़ा सा पहले वॉक करता हूँ एंड लाई डाउन अगेन. और फिर दोबारा से लेटने की कोशिश करता हूँ. बट एज सून एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर अनदर पुल. लेकिन जैसे ही मैं फिर से सोने की कोशिश करता हूँ, फिर से मुझे ऐसे लगता है कि कोई मुझे खींच रहा है. एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स. और ऐसा मेरे साथ लगभग 20 बार होता है. यानी कि मैं अच्छे से सो नहीं पाता हूँ. तभी क्या हुआ? नटालिया स्नेपनोना कॉम्सिंग अंदर आ जाती है. इतना सब कुछ वो सोच रहा है, उस समय पर वो अकेला है नटालिया. वेल देयर इज यू एंड पापा सेड गो देयर फॉर मर्चेंट कम फ्रॉम हिज गुड्स. हाउ डू यू डू इवान द सर्विस. तो नटालिया से देखकर एकदम वो भी खुश होकर बोलते, ओ तुम आए हो, और पापा ने तो कहा था कि जाओ देखो कोई मर्चेंट अपना सामान बेचने के लिए आया है. चलो इवान वैसलविच तुम कैसे हो? हाउ यू, हाउ डू यू डू, क्या कर रहे हो आजकल? तो लोमो क्या कहता है? हाउ डू यू डू ऑनर्स,
नटालिया स्टेफनोवना, वो भी रेस्पेक्टेड वे में उसी तरह से अपना रिमार्क देता है। नटालिया, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रोन एंड नेकलेस, वी आर शेयरिंग पीस फॉर ड्राइंग, व्हाट हैवंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सिट डाउन। दे सिट देमसेल्व्स, वुडंट यू हैव सम लंच। अब नटालिया क्या कहती है कि तुम मेरे कपड़े देखकर मुझे एक्सक्यूज कर देना, क्योंकि मैं ये कपड़े इसलिए पहने हुए हैं कि हम लोग मटर को सुखा रहे थे, छील रहे थे उसे, छिलके से अलग कर रहे थे दाने को सुखाने के लिए, और इसीलिए मैंने ये चोगा, यानी कि कुक या जो भी वो ऐसे कोई होते हैं जो एप्रोन वगैरह पहनते हैं उसके लिए वर्ड यूज किया गया एप्रोन एंड नेगलियस, तो मैंने ये इसलिए पहना हुआ है। चलो, व्हाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, तुम इतने लंबे समय बाद यहाँ क्यों आए हो, बहुत दिनों में आए हो, सिट डाउन, बैठ जाओ। और ये कहते हुए दोनों ही बैठ जाते हैं, और फिर उससे पूछती है क्या तुम लंच लोगे, तो लोमो कहता है नो थैंक यू आई हैव हैड सम ऑलरेडी, नहीं नहीं धन्यवाद मैं पहले ही ले चुका हूँ। नटालिया, देन स्मोक, फिर स्मोक करो, हियर आर द मैचेस, मैचेस भी है, द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, वेदर बहुत अच्छा है, स्प्लेंडेड है, प्लीजेंट है, बट यस्टरडे इट वॉज सो वेट, लेकिन कल तो ये बहुत ही गीला था, यानी गीले से मतलब कैसा हो गया, बारिश वाला, कुछ बारिश आ रही थी, एंड द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल, और जो वर्कमैन थे यानी लेबर थी हमारी, उसने बिल्कुल भी कुछ काम नहीं किया था। आई फेल्ट ग्रेडी एंड हैड अ होल फील्ड कट एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज अबाउट इट, और मैं थोड़ी सी ग्रेडी हो गई थी, लालच आ गया था मेरे अंदर, इसीलिए मैंने क्या किया, पूरे फील्ड को ही कटवा दिया, लेकिन मैं अब बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रॉट, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि अगर बारिश हो गई तो जो मैंने सारा ये हे इकट्ठा कर दिया है, सूखा इकट्ठा कर दिया है, सूखी घास यानी भूस टाइप जैसे हम कह सकते हैं, तो वो सारा खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, रोट। आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे थोड़ा सा तो इंतजार करना चाहिए था, बट वॉट इज दिस, वाई यू आर इन द इवनिंग ड्रेस, वेल आई नेवर आर यू गोइंग टू अ मॉल और वॉट। अब अपनी बात कहते कहते ही बीच में एकदम उसका ध्यान उसकी ड्रेस पे जाता है, ओ आज तुमने इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी हुई है, क्या कहीं बॉल पार्टी में जा रहे हो, इतनी डांस पार्टी में जा रहे हो क्या, या कुछ और, दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, टेल मी व्हाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, चलो फिर भी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन मुझे बताओ तो सही तुम आज कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। लोमो एक्साइटेड, यू सी ऑनर नटालिया स्टेफनोवना, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माय माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट। अब वो एक्साइटेड हो जाता है, और जब वो एक्साइटेड होता है लोमो तो क्या करता है, अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाता है जो बात वो कहने आ रहा है, ऐसे ही चुपको के साथ भी उसने किया कि एक्साइटेड बहुत ज्यादा हो गया तो चुपको को अपनी बात एकदम से नहीं बता पाया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो अब नटालिया के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा कि वो बहुत एक्साइटेड हो चुका है, वो कह रहा है ऑनर नटालिया देखो सच्चाई तो ये है कि मैं इसलिए ऐसे तैयार होकर आया हूँ, मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि तुम मेरी बात सुनो। अब क्या सुनना है, ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज एंड परहैप्स इवन एंग्री, हो सकता है बिल्कुल निश्चित है कि तुम मेरी बात को सुनकर सरप्राइज भी होगी, और ये भी हो सकता है शायद तुम नाराज हो जाओ, क्यों, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनना, और उस बात को सुनकर सरप्राइज हो सकती है, सरप्राइज क्यों होगी, क्योंकि मैरिज प्रपोजल है, और मैरिज प्रपोजल जरूरी नहीं कि वो एक्सेप्ट कर ले, तो इसीलिए एंग्री भी हो सकती है, तो दोनों बातें उसने कह दी। बट असाइड इट इज ऑफली कोल्ड, और फिर थोड़ा सा अलग होकर कहता ओ मुझे तो फिर से बहुत ठंड लग रही है, यानी कि फिर से वही नर्वसनेस हेजिटेशन उसके अंदर आ जाती है। नटालिया व्हाट्स द मैटर, वेल अब नटालिया पूछती है व्हाट्स द मैटर, बात क्या है, फिर थोड़ा सा रुकती है, फिर कहती है वेल ठीक है चलो जो भी होगा बताओ। लोमो आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ब्रीफ कर संक्षिप्त रूप में तुम्हें बता दूं। यू मस्ट नो ऑनर नटालिया स्टेफनोवना, आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इन फैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली। अब वो जो बात की शुरुआत कर रहा है कुछ इस तरीके से कर रहा है, वो कह रहा है कि जैसा कि तुम भी जानती हो कि हम तुम्हें बहुत पहले से जानते हैं तुम्हारी फैमिली को, और ये अधिकार हमें है कि हम तुम्हें जाने, यानी कि हमारे जो संबंध है वो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं। माई लेट आंटी एंड हर हस्बैंड फ्रॉम होम एज यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर। मेरी लेट आंटी यानी जिनका स्वर्गवास हो चुका है, और उनके हस्बैंड, जैसे कि तुम्हें भी पता है कि हमने अपने जो लैंड थी
वो तुम्हारे फादर और रेस्पेक्टेड फादर और लेट मदर को दिया था, हेरिटेज मिला था, इनहेरिटेड यानी विरासत में मिला हुआ है। द लोमोज एंड चुबकोव हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट रेंट। अब लोमोज फैमिली जो थी और चुबकोव की जो फैमिली थी वो बता रहा है कि दोनों फैमिली बहुत फ्रेंडली वे में रहती थी। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति अफेक्शनेट लगाव था एक दूसरे का, और एक दूसरे को रिगार्ड भी देते थे, रेस्पेक्ट भी देते थे। एंड एज यू नो माई लैंड इज अ नियर नेबर ऑफ योर्स। और जैसा कि तुम भी जानती हो कि हमारे जो लैंड है, हमारी जो जमीने हैं, वो तुम्हारे पास में ही है, यानी कि तुम्हारी पड़ोसी जमीन है, तुम्हारे इस जमीन के पास में ही है हमारी जमीन, नेबर है। यू विल रिमेम्बर दैट माई ऑक्सन मीडोज टच योर ब्रिजवुड। और तुम्हें ये भी याद होगा कि हमारे जो ऑक्सन मीडोज है वो तुम्हारे ब्रिजवुड से मिले हुए हैं बिल्कुल। तो नटालिया कहती है, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, यू से माई ऑक्सन मीडोज बट आर दे योर्स। अब उसकी बात को बीच में रोकते हुए नटालिया कहती है कि क्या कह रहे हो तुम, ऑक्सन मीडोज तुम्हारे हैं, क्या वे तुम्हारे हैं? लोमोज, यस माई, हाँ हाँ वो तो हमारे ही है। नटालिया, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बात कर रहे हो? ऑक्सन मीडोज आर आर्स एंड नॉट योर्स। ऑक्सन मीडोज हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है। तो यहां से क्या शुरू हो रहा है, मैरिज प्रपोजल तो कट गया। ये बताना क्या चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि हमारे टर्म्स एक दूसरे से शुरू से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सब कुछ हमारे बीच में पहले हो चुका है। लेकिन वो बात चलते चलते ऑक्सन मीडोज पर जब आई तो वहां क्या शुरू हो गया, स्मॉल पैटी डिस्प्यूट इश्यूज, छोटे छोटे इश्यूज पर उनकी डिस्प्यूट शुरू हो गई, उनका झगड़ा शुरू हो गया यहाँ पर। अब वो जो प्रपोजल के लिए वो कहना चाह रहा था वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाया। अब आगे क्या कह रहा है लोमोज, नो माइन ऑनर नटालिया स्टेपनोवा, नहीं और मेरे सम्मानित ऑनर से भरी हुई रेस्पेक्टेड नटालिया, वो मेरे हैं। नटालिया, वेल आई नेवर नी दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं जानती कि तुम उसे कैसे कह रहे हो कि ये मेरे हैं, वो तो हमारे हैं। लोमो, हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज विच आर वेव्ड इन बिटवीन योर ब्रिजवुड एंड द ब्रंट मार्शेस। लोमो बता रहा है इसे कि मैं उन ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे ब्रिजवुड और ब्रंट मार्शेस के बीच में है। नटालिया, यस यस दैट्स आर, हाँ हाँ मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ, वे हमारे हैं। नटालिया, लोमो, नो यू आर मिस्टेकन ऑनर नटालिया, दे आर माइंड, नहीं ऑनर नटालिया आपको इसमें कुछ गलतफहमी हो रही है, वो हमारे हैं, मेरे हैं। नटालिया, जस्ट थिंक इवान वेसलविच हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, जरा सोचो इवान वेसलविच कब से है वो तुम्हारे, कितना टाइम हो गया तुम्हारे यहाँ वे। तो लोमो बताता है, हाउ लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, हाउ लॉन्ग की बात कर रही हूँ, जब से मुझे याद है तब से ही वो हमारे हैं, यानी वो शुरू से ही हमारे हैं। नटालिया, रियली यू वुडंट गेट मी टू बिलीव दैट, वास्तव में तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। नो नो बट यू कैन सी फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स ऑन नटालिया स्टेपनोवना, नटालिया तुम उन्हें डॉक्यूमेंट्स में देख सकती हो, वो मेरे हैं। ऑक्सन मीडोज इट्स ट्रू वर द वन सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ये बात बिल्कुल सच है कि वो कभी झगड़े की एक जड़ थे, यानी उनके ऊपर झगड़ा था, झगड़े का एक विषय थे। बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइंड, लेकिन अब तो सबको पता है कि वो मेरे हैं। दे आर नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूजेज ऑफ दीज मीडोज इन परपेचुअलिटी टू द पीजेंट्स टू योर ऑफ योर फादर्स ग्रैंड फादर। अब वो कह रहे हैं इसमें आर्ग्यू करने की कोई बात नहीं है, देखो तो मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर थी, किसकी, आंट की ग्रैंड मदर, आंटी की जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने ये मीडोज तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर को, किसको दिए, तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर के पीजेंट्स को, किसानों को, लेबर को, काम करने के लिए दिए थे, हमेशा के लिए दे दिए थे काम करने के लिए कि तुम इनमें काम करते रहना। और बदले में वो क्या करते थे, इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और बदले में वो क्या करते थे, जो मेरी आंटी ग्रैंड मदर थी जिन्होंने ये दिए थे उनके लिए वो ब्रिक्स बनाया करते थे।
यानी मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर को पेशेंट्स को ये काम करने के लिए दिए थे और बदले में वो उनके लिए ईंट बनाते थे, वृक्ष बनाते थे। द पेशेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंड फादर हैड द सीईओज ऑफ द मीडोज फॉर 40 ईयर्स। अब तुम्हारे फादर के जो ग्रैंड फादर के पेशेंट थे, फादर के ग्रैंड फादर के पेशेंट्स ने इन्हें 40 ईयर्स तक यूज किया फ्रीली एंड हैड गॉट इन टू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन। अब फिर उन्हें हैबिट हो गई कि वो उन्होंने हमेशा के लिए उन्हें अपना समझ लिया। एंड व्हेन इट हैपेंड दैट, और तभी से ये चला रहा है, तभी से तुम उन्हें लग रहा है कि वो उनके हैं, जबकि ये किसके हैं, ये तो हमारे हैं। नकार लिया, नो इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर रिकॉर्ड दैट their land extend to burned marshes, which means that auction meadows are ours. अब वो बता रहे हैं कि दोनों grandfather और grandfather great grandfather दोनों ने ही मुझे बताया हुआ है कि burned marshes तक हमारे ही auction meadows हैं, वो सब हमारे हैं जितना भी वहां तक है। I don't see that there is to argue about. मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा argue नहीं करना चाहती हूँ, it is simply silly, ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात है। लोमो आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नटालिया, नटालिया मैं तुम्हें उनके लिए क्या दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। यस नटालिया, नो यू आर सिंपली जॉकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी। नहीं नहीं, तुम तो सिंपल तरीके से जॉक कर रहे हो और मेरी मजाक बना रहे हो। वॉट अ सरप्राइज, क्या सरप्राइज दिया है। वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स, हमारी वो लैंड लगभग 300 साल पहले से है, वो हमारी ही है। वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स एंड देन वी वर सडनली टोल्ड दैट इट इज नॉट आवर इवान वेसलविच। और तुम अचानक से आकर हमसे, हमें पता चलता है, हमें कोई बताता है कि वो हमारी नहीं है जबकि वो 300 साल से हमारी है, ऐसा कैसे हो सकता है इवान वेसलविच। आई कैन हार्डली बिलीव माई ऑन ईयर्स, मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा, मुश्किल से बड़ा मुश्किल हो रहा है विश्वास करना। These meadows are not worth much to me. ये meadows मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमत के नहीं है। They only come to 5 decades. कि ये केवल कितने हैं? Russian land का जो measurement unit है कि इतनी दूरी के हैं and are worth perhaps 300 rubles. और केवल 300 rubles की ही इनकी worth है, जो इनकी कीमत है वो 300 rubles है। Rubles means जो Russian currency होती है उसको rubles बोला जाता है। But I can't stand unfairness. लेकिन मैं गलत नहीं कर सकती कुछ भी। Say what you will. I can't stand unfairness. जो कुछ भी तुमने कहा है वो गलत है और मैं गलत को नहीं सुन सकती। Unfairness मुझे पसंद नहीं है। Lomo, hear me out. I am imploring you. देखो यहाँ मैं तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ, तुम्हें खोल के बता देता हूँ। Peasants of your father's grandfather, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother. देखो मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ कि तुम्हारे फादर के जो ग्रैंडफादर के पीजेंट थे, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें पहले भी बताया, वो मेरी आंट की ग्रैंडमदर के लिए ब्रिक्स से क्या करते थे, बेक करते थे। नाउ माई आंट्स ग्रैंडमदर विशिंग टू मेक देम अ प्रेजेंट, और अब मेरी जो ग्रैंडमदर थी, आंट की जो ग्रैंडमदर थी मेरी आंट की, वो उन पीजेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए, खुश करने के लिए कुछ करने वाली थी। इसी बात को बीच में नटालिया ने रोक दिया। अब क्या कहती है नटालिया, कहती है आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडमदर्स, मैं इसकी सिर पैर कुछ नहीं जानती हूँ। तुम्हारी आंटी क्या है, ग्रैंडफादर क्या है, ग्रैंडमदर क्या है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। द मीडोज आर आर दैट्स ऑल, खत्म। मीडोज हमारे हैं, बात यही खत्म। लोमो माइन नटालिया आर, अब वो कह रहा है मेरे हैं, वो कह रहे हैं हमारे हैं। You can go on proving it for 2 days on end. You can go and put on 15 dress jackets. But I tell you, they are ours, ours, ours. I don't want anything of yours. And I don't want to give anything of mine. So there. अब वो कहती है, तुम इसे 2 दिन में, 2 दिन के एंड तक इसे प्रूव कर दो। 15 जैकेट्स पहन लो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि वे हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है। I don't want anything of yours. मैं तुम्हारा कुछ नहीं लेना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना भी नहीं चाहती हूँ, ऐसा ही होगा। लोमो नटालिया,
आई डोंट वॉन्ट द मीडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल. अब लोमो कहता है नटालिया मुझे वो मीडोज नहीं चाहिए लेकिन मैं प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ, सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ, रूल्स रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ. इफ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ. नटालिया आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, मैं भी तुम्हें दिखा सकती हूँ बिकॉज दे आर ऑफ माइंड, क्योंकि वो हमारे हैं. योर बिहेवियर इवान वेसलविच इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट. After this, we have always thought of you as a good neighbor, a friend. Last year, we lent you our threshing machine. अब वो इवान वेसलविच को कहती है, इवान वेसलविच तुम्हारा जो बिहेवियर है बड़ा स्ट्रेंज हो गया है. कम से कम तुम्हें ये तो याद रखना चाहिए, हम तो तुम्हें ये मानते थे कि तुम एक अच्छे पड़ोसी हो, एक अच्छे फ्रेंड हो, और हमने तुम्हें लास्ट ईयर थ्रेशिंग मशीन भी दी थी अपनी. Although on that account, we had to put off our threshing till November. और यहाँ तक कि तुमने हमारी इस मशीन को नवम्बर तक रखा था. But you behave to us as if we are gypsies. और अब तुम हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम कोई जिप्सीज हैं, बंजारे हैं, कोई ठाउ ठिकाना नहीं है हमारा. Giving me my own land, मुझे मेरी लैंड दे दो. Indeed, वास्तव में no really that is not at all neighborly. तुमने कोई ऐसी बात ही नहीं की नेबर वाली, पड़ोसी लग ही नहीं रहे हो. In my opinion, it is even impudent. If you want to know, मुझे तो ऐसा लगता है तुम दुष्टता दिखा रहे हो. तुम जानना चाहते हो ना इस बात के बारे में. Lomo, then you make out that I am a land grabber. तब तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं land grabber हूँ, किसी की जमीन हड़पने वाला हूँ. Madam, never in my life I have grabbed anybody's land. मैंने कभी अपने जीवन में किसी की लैंड नहीं हड़पी है. And I shall not allow anybody to excuse me of having done so. और ना ही मैं किसी को अलाउ करूंगा कि कोई ऐसा करे. Quickly step to the tariff and drink some more water. ऑक्सन मिडोज आर माइन. फिर पानी पीते हुए जल्दी से फिर कहता है कि ऑक्सन मिडोज मेरे हैं. और नटालिया क्या कहती है, इट इज नॉट ट्रू, दे आर आर्स. ये सच नहीं है, वे हमारे हैं. लोमो कहता है मेरे हैं. तो इन दोनों के बीच में इसी को चल रहा है, बातचीत चल रही है. नटालिया, इट इज नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट. आई विल सेंड माई मॉर्स आउट टू द मिडोज देव दिस वेरी डे. मैं शुरू से ही तुम्हें स्टार्टिंग से बता सकती हूँ कि जो मीडोज हैं वो हमने मार्स को दिए हैं काम करने के लिए. लोमो, व्हाट? नटालिया, माय मार्स विल बी देयर दिस वेरी डे. स्टार्टिंग से ही हमारे जो मार्स हैं वो वहां पर हैं. लोमो, आई विल गेट इट टू देम इन द नेक. अब ये बात मेरे गले तक आ गई है, अब मैं सहन नहीं कर सकता हूँ. नटालिया, यू डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत. Lomo clutches his heart, अपने हार्ट को पकड़ते हुए कहता है, ऑक्सन मिडोज आर माइंड, यू अंडरस्टैंड, माइंड. ऑक्सन मिडोज हमारे हैं, समझ लो. इसी बात को लेकर इनके बीच में झगड़ा चल रहा है, अभी ये रोकते हैं. नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो.